पहुंच गई बिट्टी फॉल। ओ गाड़ी कहाँ पर लगाएंगे तब? सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है दोस्तों। सो गाइस तुम्हारा भाई पहुंच चुका है भाई बिट्टी फॉल के झरने में। इससे पहले वाले भाग में आपने देखा था हम किस तरीके से और कितनी खतरनाक और विषम परिस्थितियों में बाइक चला के यहाँ तक पहुँचे थे। तो अभी अब जब यहाँ पहुँच चुके हैं ना तो अब विजिट करते हैं हम बिट्टी फॉल के झरने को, क्योंकि भैया चौमास का टाइम है यानी कि बरसात का टाइम है, रेनी सीजन है, तो बहुत ही खतरनाक और तांडव माहौल मचा रखा है वाले यहाँ पर बिट्टी फॉल के झरने ने, देख सकते हैं आप। क्योंकि मैंने पूछा भी वो कह रहे हैं बाप रे खतरनाक है ओरियोबल, मैंने कहा अच्छा इस तो चलते हैं भाई, थोड़ा बहुत मैगी वैगी भी खाते हैं, चाय वाय भी पीते हैं क्योंकि अब भूख लग गई है, और बिट्टी फॉल में भी जाएंगे ऊपर टॉप में, बाकी व्यू कैप्चर करते हैं खूबसूरत खूबसूरत, फिर निकलते हैं ऐसे माठू माठू। भाई साहब देख ही सकते हैं जूतों का हाल, भाई पानी से पूरे भीग चुके हैं, कीचड़ से हो चुके हैं बिल्कुल मजबूत। भाई साहब कीचड़ पानी से ऐसे हो रखे हैं ना ये जूते, और काफ़ी भारी हो रखे हैं यार, बहुत ज़्यादा भारी। वो रहा भाई बिट्टी फॉल का झरना, अभी जाएंगे वहाँ पर भी, लोकेशन तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है बहुत ज़बरदस्त। भाई आ रहा है मज़ा नहीं आ रहा है यार? अलग ही मज़ा आ रहा है, देख लो ऊपर ही झरना जब गिरना बिट्टी फॉल का तो जाएंगे भी आराम से जाएंगे, बाकी ऐसे भी अच्छा दिख रहा है यार नज़ारा में, क्या व्यू है भाई, मतलब व्यू यार मतलब। और वहाँ रही भाई अपनी बाइक और ऊपर रहे भाई बादल बहुत ज़बरदस्त, आई होप कि बारिश ना हो यार, सूखे सूखे में बढ़ जाए इनकी पड़ा। बाकी यहाँ पर मैगी के मज़े लेते हैं, मैगी ऑर्डर दे दी है हमने। आगे बता रहे हैं कि रोड थोड़ा सा पुल बह गया था, तो थोड़ा बहुत एक जगह बहुत रिस्क टाइप का है, मतलब नदी है उसमें से बाइक डालनी पड़ेगी, देखते हैं भाई। अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो घर तो जाना है वापस, बाकी जो जो होगा वो बताते रहेंगे आपको। तो गाइस मैगी वैगी खाने के बाद अब हम चढ़ रहे हैं भाई चढ़ाई बिट्टी फॉल की, थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है तो डर भी लग रहा है यार कहीं कैमरा ख़राब ना हो जाए, तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत से ले रखा है लेकिन भाई जो व्यू आ रहा है ना ऑसम व्यू आ रहा है यार ऑसम, और बहुत ही ज़बरदस्त झरना दिख रहा है क्योंकि यहाँ है बारिश का सीज़न और इस साइड बारिश ज़्यादा होती है वड्डा और पिथौरागढ़ के एरिया के हिसाब से देखा जाए तो। देखो गाइस ओ भाई तो देखा गाइस कितना ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पर से दिख रहा है। भाई साहब जो पानी की बौछारें होती है ना भाई, हवा में ऐसे उड़ के आ रही हैं और थपेड़े मार रही हैं, यहाँ पर मैंने चश्मा पहनना ज़रूरी है क्योंकि पानी का जो वेग है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है यार बहुत ज़्यादा। भाई साहब अल्टीमेट व्यू, मज़ा आ गया।
भाई आता प्रसन्न हो गई, मतलब यहाँ आया हुआ सफल हो गया, क्योंकि बाकी के मौसम में तो मैं यहाँ आता ही था, बट बरसात के समय में मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ रेनी सीजन में। तो भैया इस सीज़न के भी अपने अलग मज़े हैं, बहुत अच्छा लगा अल्टीमेट व्यू। और जो झरने का वेग है ना भाई साहब, वो तो यहाँ पर आकर ही आप महसूस कर सकते हैं कि कितने स्पीड पर ये गिर रहा है नीचे। भाई साहब ज़्यादा आगे तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे को लग रही है डर, और पानी की बहुत सारी ऐसी आ रही है कि उड़ जा रहा है इंसान यार, मतलब अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। सो गाइस, बिरती फॉल के झरने के मज़े लेने के बाद अब हम निकल रहे हैं पिथौरागढ़ की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पर एक पुल टूटा हुआ है, अब देखते हैं भाई उसके अंदर से इस तरीके का रास्ता बनाया हुआ है, इसी तरीके से जाया जाएगा, नदियाँ तो पार करनी पड़ी। तो ये पुल गाइस हाल ही में टूट रखा है जी, बिरती फॉल के वहाँ पर जो बंदे थे वो बता रहे थे कि हाल ही में पुल टूट रखा है, नदी का वेग आया बहुत ज़बरदस्त और पूरा का पूरा पुल को बहा ले गया हूँ। तो आई होप कि यार जान माल का नुकसान ना हुआ हो, बट कोई नहीं, काम चालू है, निर्माण कर रहे हैं वहाँ पर लोग, तो बहुत जल्द वो पुल भी बन जाएगा और ज़बरदस्त तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखा है इस पुल। तो आ गई है वो जगह जहाँ पर मैं आपको बता रहा था पुल टूटा हुआ है पानी से, लेकिन रास्ता इधर से भयंकर हो रहा है पानी। चले जाएगी गाड़ी? गाड़ी तो जा रही है, गाड़ी वाले आते जाते जूता निकालना पड़ेगा। अच्छा तो गाइस यहीं पर मैं आपको बात बता रहा था भाई, बहुत खतरनाक माहौल शायद ऊपर से है। तो यहीं से भाई अपने को जाना है और नदी ये रही, इसको करना हमने क्रॉस। ओ भाई साहब तो गाइस आप देख ही सकते हैं भाई ये पूरी नदी को हमने क्रॉस करना है, तो यहीं पर से पुल बह गया था। तो भाई फिलहाल तो मैं पर्स वर्स सब आगे रख देता हूँ, ताकि हम भले कितना ही भीगे भाई पैसे नहीं भीगने चाहिए, नहीं तो खाएंगे क्या।